बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्नैक्स, और ये हमने टी टाइम पे बनाए हैं। और हमारे घर पे बाहर से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मम्मा ने ये बनाया था टी टाइम पे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए हमें जिन इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं: गार्लिक चॉप हुई हुई, 5 से 6 ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स फुल हैंड, ब्रेड क्रम, अनियन, टोमेटो, कॉर्नफ्लावर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, चिकन पाउडर, ऑरिगेनो, बॉयल हुआ हुआ चिकन, बॉयल पोटैटो। हमने पोटैटो को अच्छी तरीके से मैश कर दिया है और इसके अंदर बॉयल हुआ हुआ चिकन डाल देंगे। हमने चिकन का रेशा करके रखा था, उसको पोटैटो में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसके अंदर अनियन डालेंगे, 1 लार्ज अनियन चॉप हुई हुई, इसके अंदर ग्रीन चिली डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स और पे गार्लिक। मीडियम टोमेटो और इसका बीज हमने निकाल दिया है बीच में से। 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, चिली फ्लेक्स 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ऑरिगेनो का हम लोग स्प्रिंकल करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। हमने एक बॉल में ऑयल लिया है और ये मैदा लिया है, और एक ट्रे में हम लोग मैदा छिड़केंगे और फिर अपने हैंड में ऑयल लगाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सा लेके चिकन को गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। और आप अपने मर्जी के साइज की भी बना सकते हैं, मगर टी टाइम पे छोटे छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हम इसके अंदर एक एक करके रखते जाएंगे। ये देखिए, हमारे ये रेडी हो गए हैं। हमने एक बड़ा बॉल लिया है और इसको मैदे में डिप कर देंगे और हम दूसरे शेप में बनाने जा रहे हैं, और इसको बेल लेंगे। और मेरे पास ये सर्कल था तो मैंने इससे सर्कल शेप दी है इसको, आप हाथों से भी दे सकते हैं। हमने एक पैन में ऑयल लिया है और इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। आप इसको बहुत केयरफुली बनाएगा, क्योंकि हमने पहले इसको मैदे में डिप करा था और फिर ब्रेड क्रम लगा के इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। ये देखिए, इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। और ये हमारी दूसरी शेप्स हैं। ये देखिए, जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था वैसे ही करेंगे। इसको हम लोग पहले मैदे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम लगाएंगे, और हम लोग इसको फ्राई कर देंगे। और हमने सबको इसी तरह किया है। और ये देखिए, ये रेडी हो गए हैं और ये कितने यमी लग रहे हैं। आप लोग हर चीज का पानी निकाल के इसको बनाएगा, और अगर आपके थोड़े से भी नरम हो तो इसको फ्रीजर में आधे घंटे के लिए रख देगा। हमारे तो नहीं थे जब ही हमने फौरी फ्राई कर लिए। ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे दुआ में याद रखेगा और अपना ख्याल रखेगा।